तो इस क्वेश्चन के अंदर एक फिगर है जिसके अंदर ना ये कौन सा लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस है, ये वाटर है, तो ये क्या है इसका, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव लेंस है। तो कॉम्बिनेशन है डबल कन्वेक्स लेंस का और प्लेनो कनकेव लेंस का, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इसके अंदर म्यू की वैल्यू क्या है इसकी, 1.5 है, और वो एक लिक्विड के साथ है, स्मॉल निडल को रखा गया ताकि इन्वर्टेड इमेज बन जाए। ठीक वही सेम क्वेश्चन है, इन्वर्टेड इमेज बन गई। अब वो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस फ्रॉम निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी 45 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का क्या है, 45 सेंटीमीटर है, लेकिन जब लिक्विड को हटा दिया जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, 30 सेंटीमीटर। मैंने आपको उस क्वेश्चन में लिखवाया था, मेंशन था, नहीं भी मेंशन तो सुन लो, यही इसकी क्या मानी जाती है ऐसे केस में, फोकल लेंथ। हमने लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन बहुत किए थे, प्लेन मिरर के, हमने उसमें देखा था कि अगर इमेज एग्जैक्टली वहीं बनती है कन्वेक्स लेंस और मिरर के सामने, तो वही उसकी फोकल लेंथ मानी जाती है। यानी कि पहले केस में लेंस और कनकेव, प्लेनो कनकेव मिरर की कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। फिर पानी हटा दिया, अकेला डबल कन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो लेंस कॉम्बिनेशन हमें आता है, लेंस कॉम्बिनेशन हमने क्या किया कि ये कंबाइंड फोकल लेंथ है, ये डबल कन्वेक्स लेंस है और ये प्लेनो कनकेव है। तो यहाँ से F2 की वैल्यू क्या होगी, 1/F-1/F1। तो ये F की वैल्यू क्या है, 45 सेंटीमीटर जो कंबाइंड फोकल लेंथ है, F1 का मतलब क्या है, 30 सेंटीमीटर जो कि सिर्फ डबल कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। तो बचा क्या, प्लेनो कनकेव। तो प्लेनो कनकेव की फोकल लेंथ क्या है, इन्हें माइनस करके ही आंसर आ गया, ऐसे किया था हमने, तो प्लेनो कनकेव आ गया। अब हमने क्या करना है इस केस में, एक स्टेप एक्स्ट्रा जरूर है इसमें, वो क्या, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, प्लेनो कनकेव के लिक्विड का। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो प्लेनो कनकेव का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, F की वैल्यू क्या है, -90, F इज इक्वल टू -90। तो रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या लगाना है, लेंस मेकर, लेंस मेकर में फोकल लेंथ क्या है, -90, म्यू -1, आर1 की वैल्यू क्या है, -30, और आर2 की वैल्यू इन्फिनिटी। प्रॉब्लम यह है कि -30 कैसे आया, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो न्यूमेरिकल में गिवन ही नहीं है, हमें तो दो फोकल लेंथ गिवन है बस। तो हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जब हमने फोकल लेंथ निकाली थी तो इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, और इक्वी कन्वेक्स लेंस यानी कि डबल कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ +30 आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से म्यू आपको गिवन है डबल कन्वेक्स लेंस का, यहां से आर आएगा, जो इसका आर होगा वही आर प्लेनो कनकेव का हो जाएगा, एक ही बात है। तो जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया था उसमें ये स्टेप मिसिंग था, उसमें सीधा ही वो लेंस मेकर से आंसर आता है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा है, आप फोकल लेंथ और कन्वेक्स लेंस से क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। इस रेडियस को प्लेनो कनकेव के लिए यूज करते हुए यहाँ पर -30 क्योंकि प्लेनो कनकेव है तो ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए, -30 और ये इन्फिनिटी, तो यहाँ से फोकल लेंथ -90 है, तो म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.33। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1.33। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने कहा था काफी बार अलग अलग तरीके से आया हुआ है। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स एस हैविंग डाइवर्जिंग एंगल अल्फा फॉल्स सिमेट्रिकली ऑन अ ग्लास स्लैब एज शोन। तो ये ग्लास स्लैब है, तो ये लाइट आती है और इसके ऊपर ऐसे गिरती है, मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ टू एक्सट्रीम रेज आर इक्वल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू यहां पर क्या है, इक्वल है। इफ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज टी, तो थिकनेस की वैल्यू क्या है यहां पर, टी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, फाइंड डाइवर्जेंस एंगल ऑफ इमरजेंट बीम क्या होगा। तो ये डाइवर्जेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बीम क्या होता है, ये एक बार समझते हैं। देखो, डाइवर्जेंस एंगल ऑफ बीम से करने से पहले इसका ना जरा एक रे डायग्राम बनाते हैं। ये रेज आई नॉर्मल, नॉर्मल इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये इंसिडेंट रेज हैं और ये डाइवर्जिंग रेज हैं, बिल्कुल जो बाहर निकल गई, जो बाहर निकलती हुई रेज हैं, उसने एंगल क्या बनाया, ये वाला, उन्होंने एंगल क्या बनाया, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो जब बाहर निकलती रेज हैं, एमर्जेंट बोल सकता था वो, उसने डाइवर्जेंस बोल दिया, एमर्जेंट रेज ने क्या एंगल बनाया, ये आपको डॉटेड एंगल निकालना है। तो इसके अंदर साफ पता लग रहा है कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो बैटरी से आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ये पैरल एंगल से भी हो जाएगा, अगर आपने बाय सिमेट्री करना है तो भी हो जाएगा, क्योंकि आई और आई का सम अल्फा है, तो यहाँ से ये एंगल का सम भी एग्जैक्टली
अल्फा ही आएगा, सिमेट्री से पता लग ही रहेगा। तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब इसमें प्रॉब्लम आंसर की नहीं है, प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चन की, एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्या हुआ है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे ये क्वेश्चन है, देखो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर किताब में मिलेगा आपको, रियल एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चन है। एक बार प्लीज क्वेश्चन को देख लें क्या है। देखो क्या क्वेश्चन है, तो इसमें एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ पिन होल द टॉप एंड ऑफ अ थिन रॉड ऑफ हाइट एच। तो ये ऑब्जर्वर है और ये ना एक थिन होल को देख पा, थिन होल में से देख पा रहा है और ये पॉइंट उसको दिख रहा है हाइट एच का। द बीकर हाइट इज 3h, तो बीकर की हाइट क्या है 3h है एंड इट्स रेडियस इज h, तो रेडियस h है, डायमीटर 2h है। ठीक है, ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड, तो वो लोअर एंड ऑफ द रॉड को देख पा रहा है। फाइंड म्यू ऑफ द लिक्विड, मतलब वो देखना चाहता है, मतलब वो बेसिकली अभी तो क्या देख पा रहा है, अभी तो ये देख पा रहा है, देखना क्या चाहता है, इसको देखना चाहता है। तो आपको क्या निकालना है, उसने लिक्विड पोर कर दिया, तो लिक्विड पोर करने से क्या हुआ एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या करना है कि ये मान लो लिक्विड यहाँ तक है एट ए हाइट ऑफ कितना 2h, तो 2h हाइट तक इसने लिक्विड को पोर कर दिया। गिवन था इसमें 2h क्या, हाँ टॉप ऑफ द हाइट जो है अप टू हाइट फिल्ड विद लिक्विड टॉप टू हाइट ऑफ 2h, तो 2h तक लिक्विड भर दिया उसने। अब रिफ्रैक्शन का इफेक्ट देखो कैसे हुआ, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, या जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ऐसे बोलते हैं, उसको लोअर एंड को देखना है, वहाँ से रे निकलेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, उसको लगेगा कि वो इसको देख रहा है, इसको तो देख ही पाता है वो, तो एच हाइट को तो देख ही पा रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में उसको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऐसे ही होगा। तो उसको जो लोअर पॉइंट है वो लोअर पॉइंट यहाँ दिखेगा, और चाहता भी यही है कि वो लोअर पॉइंट मोस्ट पॉइंट को देखे, और कहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे। तो रिफ्रैक्शन के डायग्राम क्लियर है, वही नॉर्मल शिफ्ट है। फिर से एक बार बिना पानी के वो ये पॉइंट को देख पा रहे हैं, पानी डाल दिया 2h, तो उसको ये वाला पॉइंट यहीं नजर आ रहा है,
क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि रे निकलती है अवे फ्रॉम नॉर्मल है, यहाँ ज्वाइन करेंगे तो बी पॉइंट आएगा। तो जब बी पॉइंट आएगा तो ये एक पॉइंट है जहाँ पर आपको जो है ये पॉइंट नजर आएगा, लोअर एंड ऊपर नजर आएगा बी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसका क्या होगा? अब सबसे पहली चीज़ इसमें क्या करनी है, ज्योमेट्री देखते हैं। ये 2h है, ये भी 2h है। अब इसके अंदर ये जो हाइट है ये कितनी थी, ये 3h है। तो अगर ये 3h है, ये टोटल 3h है, इसमें से ये 2h है, तो बचा कितना h है, और 2h को दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया h और h, तो ये कितना हो गया, ये 2h हो गया। तो जो बाई ज्योमेट्री ये 2h हो गया, ये तो ऑलरेडी है 2h। आई और आई कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये रिफ्रैक्शन का एंगल है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, आई क्या आएगा 2h, tan i is 2h by 2h, तो i क्या आएगा, साफ पता लग रहा है 45 डिग्री। तो यहां से AC की लेंथ भी आ जाएगी, ये AC की लेंथ क्या है, AC की लेंथ है, ये हाइट क्या है 2h है, ये हाइट क्या है h है, तो पाइथागोरस लगा के 2h का स्क्वायर h का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 5h आ जाएगा। तो इससे sin r भी आ जाएगा, sin r क्या होगा, ये sin r है, sin r की वैल्यू क्या है, ये आधी हाइट क्या है h डिवाइडेड बाय ये हाइट क्या है अंडर रूट ऑफ 5h, तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 5h 1 बाय रूट 5। एक्चुअल में कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ गेम ऑफ स्नेल्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू इंटू साइन ऑफ आर इज 1 इंटू साइन ऑफ आई, तो यहां से ये वैल्यू आएगी 1 इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन आर, स्नेल्स लॉ लगा दिया। आपको म्यू निकालना है, आपको साइन आई चाहिए, आई आपको पता है, आपको साइन आर चाहिए, साइन आर आपको पता है, आंसर आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं करना, स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल लॉ लगा के यहाँ तक छोड़ दो, म्यू निकालना है किसी भी तरीके से, बाई ज्योमेट्री साइन आई निकाल लो, साइन आर निकाल लो, आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, कोई भी इसमें से एनसीईआरटी का होगा मार्क करवा दूंगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है, प्लीज़ ये एनसीईआरटी में बहुत आता है, मैंने आपको प्रिज्म वाले क्वेश्चन हमेशा बोले टीआईआर के, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चेक करो पिछले क्वेश्चन में अपेरेंट डेप्थ का कांसेप्ट क्यों नहीं लगा सकते, आ रहा है उससे आंसर, मैंने लगा के देखा नहीं, मैंने चेक आंसर 2 आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा, म्यू 2 आ रहा है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर एक बार मैं चेक कर लूंगा इसे। अपेरेंट डेप्थ वो जो नॉर्मल शिफ्ट से कह रहे हो ना, हां जी नॉर्मल शिफ्ट से मैं कह नहीं सकता क्योंकि हमने नॉर्मल शिफ्ट ना काफी टॉप के एंगल से देख के की है, हालांकि कोई बात नहीं है लग सकती है इसमें, मैं लगा के देखूंगा यार, को लगानी पड़ेगी इसमें एक बार। आपने टी क्या पुट किया है, थिकनेस क्या लिया इसके, 2h, यस सर 2h, मैं लगा के देख लूंगा एक बार, पर ये तो पक्का ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। इसके अंदर लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू वन फेस ऑफ 90 डिग्री प्रिज्म, 90 डिग्री का प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म है, एंड इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट ग्लास एयर इंटरफेस। तो ये लाइट आती है, टीआईआर हो गया और ऊपर चली गई। इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल है, ये 45 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये क्या है, ये 45, ये 45, तो ये भी 45। तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें 45 डिग्री गिवन है, रिफ्लेक्शन 45 डिग्री गिवन, आपको म्यू निकालना है इसमें क्या। देखो इसमें साफ पता लग रहा है डायग्राम में टीआईआर हो रहा है, और अगर टीआईआर हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने 45 है, तो ये एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। दोनों तरफ साइन लगा लिया, साइन ऑफ 45 क्या होता है 1 बाई रूट 2, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई। रेसिप्रोकल जब लेंगे मेडिकल के लोग, जब रेसिप्रोकल लेते हैं 1 बाई साइन सी रूट 2, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये 1 बाई साइन सी क्या होता है म्यू, तो आंसर म्यू ग्रेटर देन रूट 2। मैंने आपको काफ़ी बार कहा था सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें आंसर हमेशा 2 आता है ऐसे केस में 45 डिग्री पे, तो इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट लेंस के अंदर और आगे चलते हैं, लेंस का कर्व आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स में ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में मिलेगा, एनसीईआरटी में भी आ सकता है, कंपटीशन में भी आया हुआ है कि ग्राफ प्लॉट करो किसी भी लेंस का, कन्वेक्स लेंस का, यू वर्सेस वी का, वी और यू का, ये वेरिएशन याद रखना है। एक ये एक्चुअली प्रैक्टिकल भी करवाते हैं लैब में, एक ये शायद टेंथ के अंदर भी देखा होगा आपने वेरिएशन, और दूसरा 1/v और 1/u का, 1/v और 1/u का ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये ग्राफ दोनों याद रखने हैं। फिर इसके अंदर कन्वेक्स लेंस में U और V का ग्राफ, V और U का ग्राफ ये बना हुआ है, तो एक्चुअल में और भी केसेस हैं
क्योंकि आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हो या यहाँ रखते हो, उस हिसाब से अगर आपको कन्वेक्स लेंस का रियल का या जो भी वर्चुअल इमेज का अगर डायग्राम इकट्ठा बनाना हो, तो ये वेरिएशन याद रखना है, ये वेरिएशन याद रखना है। तो इसको प्लॉटिंग करने की जरूरत नहीं है, लंबा काम है, तो आप ये वेरिएशन याद रखें कन्वेक्स लेंस का। वैसे अगर आधा ग्राफ आता है तो यही बनेगा, बात ही खत्म है। पर अगर वी और यू का ग्राफ आता है पूरा, तो ये इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, टू एफ में से पास करेगा। ये वेरिएशन को एक बार याद रखना ताकि सीधा मार्क कर सके। वो आधा बना हुआ है ना, इसमें एक ही रियल का केस है, टू एफ वाला, उसमें सारे केस कवर हो रहे हैं, लेफ्ट भी राइट भी, जब हम मूव करवाते हैं पूरे का पूरा केस है। तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वेव फ्रंट का केस सारा वेव ऑप्टिक्स में किया हुआ है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सुन लो, कॉम्पिटिशन में है, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिख लो। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ थिन लेंसेज हैं, ये लेंस थिक लेंस है, मोटा लेंस है। मेंस के अंदर ये क्वेश्चन कम से कम दो तीन बार एज इट इज आया हुआ है, और अगर आना होगा इस साल तो एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा वैल्यू चेंज करके, या नीट में। हम थिन लेंसेज लेते हैं, ये थिक लेंस है। आपको न्यूमेरिकल में ऐसे गिवन होगा, डायमीटर ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। हमारा जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता है वो ऐसा होता नहीं है, वो इस तरीके से उसकी थिकनेस से गिवन होती है। इसमें 3 mm की थिकनेस गिवन है, जबकि हम इस थिकनेस को निगलेक्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस केस में थिकनेस एट द सेंटर कितनी है, 3 mm है। इफ स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल इज गिवन, तो वैक्यूम में नहीं, इस ग्लास के अंदर स्पीड गिवन है, तो यहां से म्यू आ जाएगा। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो अगर ये थिन लेंस होता तो प्रॉब्लम ही कुछ नहीं थी, लेंस मेकर लगा लेते, 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 1/r2, एक आर इन्फिनिटी होता, एक आर आर होता, आंसर आ जाता। थिकनेस में एक प्रॉब्लम है, थिकनेस की ज्योमेट्री आप अपने मन में ऐसी बनाएंगे प्लीज, थोड़ा वो बेटर नहीं है। डायग्राम हालांकि आपको ऐसे ही गिवन होगा, डायग्राम ऐसे ही बनेगा, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम ये है। तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें थिक लेंसेज में, तो ये देखो ये एक लेंस है, हम अपना लेंस बस इतना ही बनाते हैं, याद है? अगर मुझे को लेंस बनाना है तो मैं लेंस कैसे बनाऊंगा, बस मैं लेंस ऐसे बना दूंगा, ये लो जी बन गया लेंस, खत्म, और तो कुछ नहीं बनाता। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, पीछे से मोटा लेंस है, तो ऐसा लेंस है ये। तो इसकी थिकनेस क्या है, सेंटर से टी। ये रेडियस क्या है इसके, ये जो रेडियस है ये कितना स्मॉल आर है, और इस कर्व का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। जो कर्व है इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और ये टी है। तो ऑब्वियसली अगर ये कर्वेचर का सेंटर है तो टोटल कैपिटल आर है, कैपिटल आर में से टी गया तो आर माइनस टी, ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर आप अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हो, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में कैपिटल आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ज्योमेट्री सिखा रहा हूँ, एंड में फॉर्मूला सिखाऊंगा बस एक। तो थिक लेंसेज में ये ज्योमेट्री लगती है, इसमें दो रेडियस होते हैं, एक ये वाला रेडियस होता है और एक कर्व का रेडियस होता है जितना वो थिक है। तो इसके अंदर ये ओपन करके a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करके ये टर्म आएगी, यहाँ से सॉल्व करके कैपिटल r की ये टर्म आएगी। इसके अंदर r के मुकाबले t बहुत बड़ा नहीं होता, mm में होता है, तो t कैन बी निगलेक्टेड, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, क्योंकि r के मुकाबले t निगलेक्टेड है। तो यहाँ से इसको हटा के ये टर्म आती है कैपिटल r की, तो ये कैपिटल r की ये टर्म आएगी। तो अब आपका जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा उसके अंदर आपको क्या गिवन है, उसके अंदर आपको डायमीटर ऑफ अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस गिवन है 6 cm। ये डायमीटर पता है कौन सा गिवन होता है, ये गिवन होता है, कर्व का नहीं, थिकनेस का नहीं, ये थिकनेस है, इसका नहीं इसका। तो इसका रेडियस क्या आएगा, 3, तो 3 पुट कर लिया यहाँ पे, और थिकनेस क्या गिवन है, 3 mm, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। सॉल्व करके आपके पास ये रेडियस आ गया जो हमें चाहिए, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। तो पहला काम क्या होता है, आपको ये रेडियस से ये रेडियस निकालना होता है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 15 cm, और उसके बाद कुछ नहीं करना, लेंस मेकर लगा दो, क्योंकि लेंस मेकर में ये आर यूज नहीं होता, लेंस मेकर में ये आर यूज होता है। तो ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज किया जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में, क्योंकि हमें सिर्फ ये गिवन होता है, थोड़ा ज्यादा मोटा है एक्चुअल, थोड़ा पतला गिवन होता है, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर उसमें भी यूज करते हैं, तो उसमें कैपिटल आर यूज करते हैं। तो एक इन्फिनिटी और एक -15, वो इसलिए है क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, तो ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। उल्टा भी कर सकते हो, इसको इन्फिनिटी पुट कर दो और इसको 15 पुट कर दो, एक ही बात है, ओवरऑल फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव, पुट करके आपके यहाँ फोकल लेंथ आएगी। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आप फॉर्मूला बुकलेट में चाहें तो ये डायग्राम के साथ ये नोट कर लें फॉर्मूला अपने फॉर्मूला बुकलेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, आपको आर चाहिए होगा, आपको ये रेडियस गिवन होगा, और यहाँ से कैपिटल आर से लेंस मेकर में ये निकलेगा।
जो लिखना है हिंट लिख लें, एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम 3 बार आई हुई है, इससे ऊपर क्या चाहिए? आप तो उल्टा मैं कहता हूँ वेट करो कि यही क्वेश्चन फिर से आ जाए। थिकनेस का इकलौता क्वेश्चन मिलेगा आपको ये, किसमें? ये प्लेनो कन्वेक्स है ना, प्लेन भी तो है, प्लेनो कन्वेक्स है, मोटा लेंस है, थिन नहीं है, थिक है, और हम पढ़ते हैं थिन लेंसेस। प्रॉब्लम ये है कि हम ये टी नहीं लेते, हम टी निग्लेक्ट करते हैं, हम बस इतना सा लेते हैं, ये लेंस है, मोटा नहीं होता। तो ज्योमेट्री बना लें, ये फॉर्मूला लिख लें, इस फॉर्मूले के बेस पे ये नोट कर लें ताकि जब आप रिवाइज करें तो लिख लें हेडिंग थिक लेंस, थिक लेंस में क्या फॉर्मूला लगेगा वो नोट कर लें बस। लास्ट ईयर की आईडी में सेमीकंडक्टर्स और कम्युनिकेशन के चैप्टर में ऑब्जेक्टिव पोर्शन मिसिंग था, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन किया गया है, अब मैंने अपलोड करवा दिए हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना कि आपने थ्योरी तो सुनी ली है। तो ऑब्जेक्टिव करने की ना उसमें टेक्निक है, सीधा प्रीवियस ईयर मत करना, पहले वो सुनना फिर प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि वो इतने ट्रिकी हैं कि उसमें जब तक वो टेक्निक नहीं पता लगेगी आपसे थ्योरी के बेस पे सॉल्व नहीं होंगे, उसमें काफ़ी एफर्ट लगता है, तो सुनने के बाद करना तो हो जाएंगे आपसे अब सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जितने आप डीसी पांडे और ये बुक्स देखेंगे या कॉम्पिटिटिव उसमें ये सब दिखेंगे आपको। तो इसके अंदर बाई कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस है, विद फॉर्म विद टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस एज शोन इन द फिगर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट लेंस इज 1.5। अब देखो ये तो अजीब ही क्वेश्चन हो गया, आपने ये देखा होगा एक लेंस है और लेंस का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, बस यहाँ पर आधा लेंस अलग है आधा लेंस ही अलग है, तो आधा लेंस 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और दूसरा लेंस 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ठीक है यहाँ तक तो आधा आधा हो गया। अब वो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर कितना है, 14 सेंटीमीटर है, फॉर दिस बाई कन्वेक्स लेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इमेज क्या होगी, कह रहा है जी मैं से यू ले लो और वी बता दो, यू लेके वी तो बता दूंगा पर भैया पहले फोकल लेंथ तो बता दो, तो क्या निकालनी है पहले फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ तो बाद में निकलेगी, अगर ये एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का बना होता तो मैं 1 बाय एफ इज म्यू माइनस 1, 1 बाय आर 1 माइनस 1 बाय आर 2 यूज करता, ये म्यू डिफरेंट है, इसको दो लेंस ट्रीट किए जाएंगे, ये एफ 1 ये एफ 2 फोकल लेंथ का, तो क्या लगेगा लेंस का कॉम्बिनेशन, तो लेंस कॉम्बिनेशन में 1 बाय एफ क्या होगा, 1 बाय एफ 1 प्लस 1 बाय एफ 2। एक काम करते हैं, पहले एफ 1 निकालते हैं, आधे लेंस का फोकल लेंथ निकालते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो पहले लेंस के लिए म्यू माइनस 1 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, तो आर की वैल्यू 14 है और ये इन्फिनिटी है तो एफ 1 क्या है 28, और दूसरे लेंस के लिए 1.2 माइनस 1 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय ऐसे कर लो 14 और इन्फिनिटी कर लो तब भी कोई बात नहीं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस में ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, सिंपल है। तो ये एफ 1 एफ 2 आ गया आधा आधा, यहाँ पुट करके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई 20, यू पता है माइनस 40, वी निकालना है, वी निकाल लेना आंसर। तो आज के बाद अगर दो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे तो क्या करना समझ में आ रहा है, लेंस मेकर तो बाद में लगेगा, पहले लेंस इन कॉम्बिनेशन लगेगा तो आंसर आएगा, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, फिर से लेंस कॉम्बिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेंस कॉम्बिनेशन, अफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन इज 60 सेंटीमीटर, कह रहे जी इसकी टोटल फोकल लेंथ 60 है, अब ये लेंस है कौन सा, ये कौन सा है, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स डबल कनकेव, तीन लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स डबल कनकेव प्लेनो कन्वेक्स, तीन लेंस है, तो ये तीन लेंस है और आपको साइड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है,
आपको ये गिवन है कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ 60 गिवन है, आपको ये गिवन है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस आर 12 सेंटीमीटर ईच, आपको आर पता है हर का 12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीकवर्ड का निकालना है क्या होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये प्लेनो कन्वेक्स है, ये भी प्लेनो कन्वेक्स है, प्लेनो कन्वेक्स के लिए लेंस मेकर लगा लेते हैं। पहला लेंस की फोकल लेंथ F1 है, तीसरे लेंस की फोकल लेंथ F3 आएगी बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, प्लेनो कन्वेक्स है। तो प्लेनो कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, 1/F1 या 1/F3, म्यू माइनस 1, 1/∞, 1/R, ये पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपल है, R आपको 12 गिवन है, म्यू आपको गिवन है, तो सॉल्व करके F1 F3 क्या आ गया, 24 आ गया, ठीक हो गया। टोटल तीन लेंस है, तीन लेंस का कॉम्बिनेशन की अफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 60, पहले लेंस की 24 है, आखिरी की 24 है, और बीच में क्या है, F2, तो डबल कनकेव की F2, F2 की वैल्यू कितनी आ गई, -10, तो डबल कनकेव की फोकल लेंथ आ गई। आपको इसका म्यू निकालना है। अब डबल कनकेव के लिए आप क्या लगाएंगे, फिर से लेंस मेकर, तो डबल कनकेव का मतलब है ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव है, म्यू निकालना है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है आंसर। क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट फिर से लेंस कॉम्बिनेशन है, तो इसके अंदर टू सिमिलर प्लेनो कन्वेक्स लेंसेस, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, सीधे उल्टे उल्टे सीधे जोड़ दिए। कह रहे जी बताओ कि इसके अंदर तीन डिफरेंट तरीके से जुड़े हैं, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन तीन केस क्या होगी, कोई फर्क ना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल फोकल लेंथ क्या होगी, 1/F1 + 1/F2, अब हैं तो दोनों प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, तो फोकल लेंथ दोनों की पॉजिटिव होगी और रहेगी सेम, तो अफेक्टिव फोकल लेंथ चाहे जैसे मर्जी तीन केस में जोड़ लो विल रिमेन सेम, तो आंसर 1:1:1 रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, फिर से लेंस कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन पढ़ो। तो टू प्लेनो कन्वेक्स लेंस 1 और 2 ऑफ ग्लास ऑफ म्यू इज इक्वल टू 1.5 हैव रेडियाई ऑफ कर्वेचर 25 एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये ना रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यार बराबर नहीं लग रहा मुझे, इसका ज़्यादा और इसका कम लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये बताओ कि अगर ये तीन लेंस हैं, 1, 2 और 3, ये लेंस कौन सा लेंस है, ये स्ट्रेट है, प्लेन है, और ये कनकेव है, प्लेनो कनकेव, ये कौन सा है, प्लेनो कनकेव, और ये क्या, डबल कन्वेक्स। तीन लेंस है कॉम्बिनेशन में, प्लेनो कनकेव, डबल कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, ठीक। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, R1 R2 गिवन है, दे आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद देयर कर्व्ड सरफेस टुवर्ड ईच अदर एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद लीकवर्ड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, देन कॉम्बिनेशन विल बी डैश लेंस विद डैश फोकल लेंथ। तो कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बनेगा, कौन सा लेंस है, तीनों की फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन निकाल लो,
अगर तो पॉजिटिव आता है तो लिख देना कन्वेक्स लेंस है, अगर नेगेटिव आता है लिख देना कनकेव है, इन्फिनिटी आता है तो प्लेन ग्लास है। तो फोकल लेंथ निकालनी है, तो तीन लेंस की फोकल लेंथ थियरी। पहला लेंस क्या है, प्लेनो कनकेव है, तो प्लेनो कनकेव में 1/f1 म्यू माइनस 1, 1/r, 1/r2, एक इन्फिनिटी होता है प्लेन के लिए और एक आर को नेगेटिव रहने दो क्योंकि ओवरऑल फोकल लेंथ शुड बी नेगेटिव, प्लेनो कनकेव है। दूसरे में डबल कन्वेक्स है, डबल कन्वेक्स में एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव दोनों की रेडियाई की वैल्यू भी डिफरेंट है, एक आर पॉजिटिव एक आर नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ गया F2। तीसरे के लिए F3, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन लगाएंगे 1/f इज 1/f1, 1/f2, 1/f3, सॉल्व करके एफ की वैल्यू आएगी। ओवरऑल फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है, कंकेव लेंस है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट याद रखना ये एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है और ये बोर्ड मेंस नीट में बहुत बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है कि किसी भी ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट में जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को फिक्स किया जाता है, ऑब्जेक्ट को नहीं हिलाना। स्टूडेंट वेरीज पोजीशन ऑफ कन्वेक्स लेंस फॉर ईच पोजीशन, अ स्क्रीन इज एडजस्टेड टू गेट क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंस को हिलाते हैं और स्क्रीन को हिलाते हैं ताकि क्लियर इमेज आ जाए। ग्राफ बिटवीन यू एंड वी इज प्लॉटेड, तो यू और वी का ग्राफ बना दिया तो ये ग्राफ बन गया रेड कलर का। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, ये ना स्टैंडर्ड ग्राफ है ये, जब ये ना एक्चुअली हमने आप कहो कि सर कैसे, तो कैसे कुछ नहीं है, ये ना लैब के अंदर जाते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, यू और वी का ग्राफ बनता है, वो ग्राफ ऐसा बनता है और वो ग्राफ हमेशा इसको इंटरसेक्ट करेगा हमेशा एक कोऑर्डिनेट पे, और वो कोऑर्डिनेट क्या होता है, 2f 2f। और ये मेथड आपकी फोकल लेंथ निकालने के भी काम आता है, जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स पता लगते हैं आपको, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 2f। इसका मान लो 10 कोऑर्डिनेट आ गया, 10, 10, तो 10 इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू 5। तो ऐसे लैब में एक्सपेरिमेंट होता है, आपको याद करना है, अगर पेपर में आ जाए 2f 2f मार्क कर देना। ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फिर से एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ये क्या है, ग्लास प्लेट है, ये क्या है प्लेनो कनकेव, और ये क्या है प्लेनो कन्वेक्स। तो प्लेनो कनकेव प्लेनो कन्वेक्स का कॉम्बिनेशन है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है एफ, एंड म्यू की वैल्यू क्या है 1.5। इट इज केप्ट ओवर अ प्लेन ग्लास प्लेट विद इट्स कर्व्ड सरफेस टचिंग द ग्लास प्लेट। तो इसमें कैसे रखा जाता है, इसे प्लेन ग्लास प्लेट में रखा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है जिसमें पानी रखा जाता है। गैप बिटवीन लेंस एंड ग्लास प्लेट इज फिल्ड विद अ लिक्विड, तो गैप बिटवीन ग्लास प्लेट एंड लिक्विड में डाल दिया जाता है इसमें। एज अ रिजल्ट अफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 2f, तो एज अ रिजल्ट टोटल फोकल लेंथ दोनों की क्या आ जाती है 2f। तो 2f में से ये f है और ये क्या है f1 है, ये f1 है, तो म्यू ऑफ द लिक्विड निकालना है क्या होगा। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या गिवन है इसमें f है, तो 1/f का फॉर्मूला लगाएं, प्लेनो कन्वेक्स लेंस में म्यू माइनस 1, 1/∞, 1/r, तो यहां से सॉल्व करके f की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। तो प्लेनो कन्वेक्स है, नेगेटिव क्यों आ रही है, नेगेटिव तो नहीं, हाँ इसको पॉजिटिव होना चाहिए था मेरे को लगता है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि ये लेंस है कौन सा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस में यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, इसको आर और इसको इन्फिनिटी होना चाहिए था। चलो आर की वैल्यू यहाँ पर एफ बाई टू आ गई, मैग्नीट्यूड लगा लो, आर की वैल्यू एफ बाई टू आ गई, प्लस होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का म्यू है और लिक्विड लेंस है क्या प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव में एक आर नेगेटिव एक आर पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या है एफ1, तो 1/f1 की वैल्यू आ गई। देखो ये नेगेटिव आएगी और ये पॉजिटिव आनी चाहिए। अब टोटल ओवरऑल फोकल लेंथ दोनों के मिला के कितनी है 2f, 2f क्या है f1 और f2 का सम, तो पहली फोकल लेंथ f है और दूसरी क्या है f1 है, तो यहां से 1/2f माइनस f 1/f1, तो 1/f1 की वैल्यू ये पूरी की पूरी आपने यहां पुट कर देनी है और ये सॉल्व करके माइनस 1/2f आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी। मेरे को लगता है इसको सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, तो ऐसे आंसर आ गया, एफ से एफ ही कैंसिल हो गया मेरे को लगता है, चेक कर लो, मेरे को लगता है ऐसा ही है, ये कॉम्बिनेशन से मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा, इसका जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस तरह करने की। बाकी हो सकता है आर की जगह पुट करना पड़े, नहीं हाँ जरूरत पड़ी है, ये देखो आर की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट किया 1/r f/2, सब्सटीट्यूशन तो करनी पड़ेगी नहीं तो आंसर आर की फॉर्म में आएगा ना, आर तो गिवन नहीं, तो आर और एफ का रिलेशन यहाँ से पुट करना पड़ेगा,
तो एफ की फॉर्म में आंसर आएगा, तो एफ से एफ कैंसिल होगा। पर लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो ये याद नहीं किया जा सकता, पक्की बात है। मोटी मोटी चीज़ ये याद रखनी है कि ये दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, ये प्लेनो कन्वेक्स है और ये प्लेन कनकेव है, और ओवरऑल फोकल लेंथ 2f है और ये f है। आपको f1 निकालना है, तो 1 बाई एफ इज 1 बाई एफ वन प्लस 1 बाई एफ टू, वहाँ से ये फोकल लेंथ आ जाएगी। लेंस मेकर से जो निकालना है निकाल लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इसको अप्लाई करना है? ठीक है, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन भी आगे आएगा, फिर से ये एक क्वेश्चन है, चेक करें। लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बिकम्स अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ व्हेन इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। एक लेंस को लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है। अगर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एफ एयर में एफ है, तो ये प्रूव करो एफ डैश इसके इक्वल है। ये क्वेश्चन हमें लेंस मेकर में ऑलरेडी किया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है कि एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको किसी लिक्विड में डाल दिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश। एयर के अंदर अगर इसको डालते तो फोकल लेंथ एफ है, तो लिक्विड में क्या है फोकल लेंथ ये निकाल ली जाए। तो पहले एयर से शुरू करते हैं। तो एयर में 1 बाई एफ क्या है, म्यू माइनस 1, 1 बाई आर 1 माइनस 1 बाई आर 2। तो एयर में ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, एयर आएगा, इक्वेशन नंबर 1, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब लिक्विड में डालेंगे तो फोकल लेंथ एफ डैश हो जाएगी, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, लिक्विड। यहां से इसको ब्रेक करते हैं, ग्लास ऊपर और लिक्विड नीचे। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें म्यू गिवन है और लिक्विड का इसमें म्यू डैश गिवन है, तो m1 बाय f डैश आ गया। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करेंगे, r1 r2 की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, सॉल्व करके आंसर जो प्रूव करना है आंसर आ जाएगा। दो इक्वेशंस क्लियर लेंस मेकर की, एक बार एयर में लगेगी और एक बार लिक्विड में लगेगी। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? ठीक। ये ना एक ये हमने किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में बता दिया था। ये लो, ये हमने मिरर्स नहीं किए हुए, नहीं ये रहने दो, मिरर का क्वेश्चन है अभी रहने दो, ये मिरर हमने किए नहीं है। ये भी मिरर की प्रॉब्लम है, ये भी मिरर की प्रॉब्लम है, ये रहने दो अभी, ये कर सकते हो। देखो क्या क्वेश्चन है, अपेरेंट डेप्थ ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 2R इज रिड्यूसिंग एट अ रेट ऑफ x सेंटीमीटर पर मिनट। तो अपेरेंट डेप्थ समझते हो, अपेरेंट डेप्थ जो एक्चुअल डेप्थ है वो लग नहीं रही, अपेरेंट लग रही है, और प्रॉब्लम ये है इसमें पानी लीक हो रहा है, तो वो डेप्थ चेंज होती जा रही है। हमने क्वेश्चन ऐसा कभी किया नहीं, हमने कॉन्स्टेंट किया, ये रियल है ये अपेरेंट है, बात खत्म। वो क्या कह रहे हैं कि एक टैंक है जिसका डायमीटर 2R है और एपरेंट डेप्थ रिड्यूस हो रही है, नीचे गिर रही है एट अ रेट ऑफ x सेंटीमीटर पर मिनट, एक मिनट में 1 सेंटीमीटर डाउन आ जाती है। ठीक है, व्हेन वाटर इज ड्रेन्ड आउट एट अ कॉन्स्टेंट रेट, पानी निकलता जा रहा है जिस वजह से एपरेंट डेप्थ भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड इज, तो आपको बताना है कितना वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा है एक मिनट में, ये बताना है आपको, ये क्वेश्चन है। ठीक, ये अजीब क्वेश्चन है और ये हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं पहले। हमने ये किया है कि रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, मान लो h बाय x, h का मतलब है कौन सी डेप्थ है, रियल डेप्थ है, x का मतलब कौन सी डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ है। और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है म्यू टू बाय म्यू वन, या आप सिंपल म्यू लिखते हैं, पर यहाँ पर म्यू सिंपल अगर मुझे लिखना है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा म्यू वन टू, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे म्यू टू म्यू वन की फॉर्म में, ये मैंने लिख दिया। अब एक काम करते हैं, इसको और इसको दोनों तरफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि h और x है, तो रेट निकालना है हमने डी एच बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, यस इट इज डी एच बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ है ना, वेलोसिटी ऑफ रियल डेप्थ ऐसे बोल सकते हैं, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, यहाँ से मुझे ये पता है
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ इज म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ। ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ टी एच बाई डी टी क्या होगा, म्यू टू बाई म्यू वन इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ एपरेंट डेप्थ जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स, एक्स पुट कर दिया। अब इस केस में ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रियल डेप्थ आ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, पानी कितना निकल रहा है एक्चुअल में, पानी कितना ड्रेन हो रहा है पर मिनट, ये मुझे निकालना है। मैं क्या करूंगा, डी एच बाई डी टी को एरिया से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। कैसे, ये देखो ये आपका टैंक है, ये आपका एरिया है, ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये लिक्विड नीचे आ गया। जब ये लिक्विड नीचे आ गया तो ये क्या है, डी एच डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। या एक काम करो डी एच ले लो, बस डी एच नीचे आया तो वॉल्यूम कितना नीचे आ रहा है, एरिया इंटू हाइट क्या है, वॉल्यूम है। ये क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि पानी नीचे से क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, तो इतना वॉल्यूम ड्रेन हो रहा है। इसको टाइम से डिवाइड कर दिया डी टी, तो ये क्या आ गया, कितना वॉल्यूम ड्रेन हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो डी एच बाई डी टी हमने निकाल लिया म्यू टू बाई म्यू वन इंटू एक्स और इंटू पाई आर स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव आंसर में मार्क करना है। तो ये भी कॉम्पिटिशन टाइप क्वेश्चन, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन नहीं है। हाँ, इसमें नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव होता है वैसे। हम उसमें करते थे ना, ये प्रॉपर्टीज कौन सा था, वो विस्कोसिटी का चैप्टर, कितनी देर में टैंक खाली होगा, ये वैसा वैसा ही है। बट चलो मैग्नीट्यूड में समझ में आ रहा है क्या होगा, रिड्यूसिंग है, ठीक है, वो ठीक कह रहे हो कि एक्स इसमें नेगेटिव होगा और इसके अंदर ये भी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, ड्रेन है मतलब, ठीक है, मैथमेटिकली नेगेटिव, रेट जब कम होता है तो नेगेटिव ही लगता है वैसे मैथ्स में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखें फिर से, लेंस कॉम्बिनेशन है, बहुत लेंस कॉम्बिनेशन है यार बुक्स में। देखो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लेनो कनकेव लेंस, देख रहे हो, प्लेनो कनकेव में प्लेनो कन्वेक्स फिट हो गया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव है। इफ लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन एंड म्यू टू एंड आर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों लेंसेज का, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की f1 प्लस f2 होगी। पहला लेंस क्या है, प्लेनो कन्वेक्स, इसको किसी भी तरीके से पॉजिटिव बनाना है, तो ये माइनस कर दो, ये फिर जीरो कर दो आंसर। और दूसरा क्या है, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आंसर, सिंपलीफाई कर लेना।
ठीक है यहाँ तक। लेंस के कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर जगह काम आएंगे, उनमें से ये फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया लेंस का, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवा दिया। आप असाइनमेंट में प्लीज़ टिक मार्क करते जाएं, इसको सारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये टिक मार्क करते जाएं, ये कर लिया, ये कर लिया, डन लिख लें ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े। तो लिख दें बस ओनली फॉर्मूलाज टू बी रिमेंबर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सुन लो, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी पार्ट ऑफ लेंस फॉर्म्स कंप्लीट इमेज, इफ अ पोर्शन ऑफ लेंस इज ऑब्स्ट्रक्टेड फुल इमेज ऑफ लेंस ब्राइटनेस इज फॉर्म्ड। मतलब क्वेश्चन आएगा कि सपोज आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस ने एक इमेज बना रखी थी, यहाँ पे बना दी आपने कन्वेक्स लेंस का कुछ पोर्शन डार्क कर दिया, फिल्म लगा दी, डार्क कर दिया। आपको बताना है कि अब इमेज का क्या हुआ, कुछ भी नहीं, इमेज वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इमेज में, बस एक फर्क होगा कुछ लाइट ब्लॉक हो गई तो इंटेंसिटी इमेज की कम हो जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी ब्लॉक कर दी ना, एनर्जी कम कर दी, तो आपको फीकी इमेज दिखेगी, इंटेंसिटी कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो लेस ब्राइटनेस इज फॉर्म बता दिया, फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिमेन्स अनचेंज्ड वेदर अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन फर्स्ट सर्फेस और सेकेंड सर्फेस। अगर प्लेनो कन्वेक्स लेंस है ऐसा, लाइट को यहाँ से एंटर करवाओ या यहाँ से एंटर करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेंस की अगर फोकल लेंथ 10 है तो 10 ही रहेगी। क्लियर है यहाँ तक, जैसे मर्जी लाइट को एंटर करवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ लेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कटिंग ऑफ लेंस में अगर आपने लेंस को हॉरिजॉन्टली काट दिया ऐसे, तो आपकी वो पूछेगा दो लेंस बन गए, इनकी फोकल लेंथ का क्या हुआ, अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो इनका क्या हुआ, फोकल लेंथ विल रिमेन सेम, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें भी R1 R2 है, इसके अंदर भी R1 R2 ही है, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक। लेकिन अगर लेंस को वर्टिकल काट दिया दो हिस्सों में ऐसे, कैसे काटा था पहले, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में रेडियस सेम रहता है तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर वर्टिकल काट दिया दो हिस्से ऐसे निकलाए, तो इसकी फोकल लेंथ अगर एफ है तो इन दो टुकड़ों की फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, 2f 2f। मैथमेटिकल प्रूफ देखो कैसे, सिर्फ समझने के लिए। ये आपका एक लेंस मेकर फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूले में एक रेडियस आर है, एक रेडियस माइनस आर है, पुट कर दिया, सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है, कंप्लीट फर्स्ट केस में लेंस मेकर ये आ गया। सेकेंड केस में क्या आ गया, सेकेंड केस में एक आर आर है, एक आर इन्फिनिटी है, तो ये नई फोकल लेंथ है एफ डैश। 1/f' को इससे अगर डिवाइड कर दें तो क्या वैल्यू आएगी, ट्वाइस वैल्यू आ जाएगी। आपने करना नहीं है प्लीज़, आप सीधा एक नोट लिख लें चाहे, या इंपॉर्टेंट इसमें हाईलाइट कर लें। वैसे फॉर्मूला बुक में नोट करना बनता है ये सारी चीज़ें, कि अगर लेंस को हम कैसे काटते हैं, हॉरिजॉन्टल लिख लो, फोकल लेंथ सेम रहेगी, डायग्राम बना लो फॉर्मूला बुकलेट में, हॉरिजॉन्टल काटने से फोकल लेंथ सेम रहेगी, वर्टिकल काटने से फोकल लेंथ ट्वाइस हो जाएगी, फोकल लेंथ ट्वाइस का मतलब पावर हाफ हो जाएगी, एक ही बात है, फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो ये टर्म आ गई। इंटेंसिटी कम हो जाएगी अगर हॉरिजॉन्टल काट रहे हैं, फोकल लेंथ तो सेम रहेगी पर कुछ लाइट तो इसमें से पास नहीं भी करेगी, तो इंटेंसिटी कुछ तो फर्क पड़ेगा, पर उस पर डिस्कशन नहीं हो रही, नंबर ऑफ इमेजेस पे हो रही है, तो इमेज वही बनेगी जो एक बन रही है। तो ये भी क्लियर है 2f 2f वाला। नेक्स्ट है, इसके अंदर अगर एक ऐसा लेंस है जिसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, 5 किस्म के ग्लास का बना हुआ है, तो 5 इमेजेस बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये कम कन्वर्जिंग होगा, ये ज़्यादा होगा, ये कम, ये ज़्यादा, ये कम, मुझे पता नहीं कैसा होगा, तो अपनी अपनी रेज में लाएगा, तो जितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करेंगे उतने ही नंबर ऑफ इमेजेस अलग अलग बनेंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो अगर 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं तो 5 इमेजेस बनाएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? ये शॉर्टकट याद रहेगा। नेक्स्ट है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज डिफरेंट। तो फोकल लेंथ डिफरेंट है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के लिए, वो क्यों? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था, 1/f इज म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, तो फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1 था, तो बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। हर कलर की लाइट किसी भी मीडियम में जब ट्रेवल करती है उसकी स्पीड वेरी करती है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बेसिकली क्या होता है,
मान लो सात रंग विबग्योर है, विबग्योर है ठीक, तो हर कलर की लाइट की वेवलेंथ डिफरेंट है ना, डिफरेंट होती है, फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। जब वेवलेंथ डिफरेंट है तो इसकी स्पीड जो है ना, स्पीड वो भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि रेड की स्पीड डिफरेंट है किसी मीडियम में, ब्लू की डिफरेंट है, ग्रीन की डिफरेंट है। तो अगर स्पीड डिफरेंट है, अगर स्पीड डिफरेंट है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है। अगर स्पीड डिफरेंट है सातों लाइट्स की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है, और अगर म्यू डिफरेंट है तो फोकल लेंथ भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस वन है। तो जिस भी लाइट की कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी छोटी होगी। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, एक चैप्टर आएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब 10th में क्या हुआ है, प्रिज्म सात रंग में लाइट को तोड़ देता है, तो वही तो है ये, सात रंग क्यों टूटते हैं, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट हो जाता है, सबकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है, तो सात रंग बन जाते हैं, तो यही तो रीजन है। तो फोकल लेंथ यानी कि कोई जल्दी नीचे गिरता है प्रिज्म से बाहर आने के बाद, कोई दूर जाके गिरता है, तो एंगल ऑफ जो जो रिफ्रैक्शन है सबका डिफरेंट है, ऐसा ही होता है। तो एंगल्स डिफरेंट है, कोई ज़्यादा रिफ्रैक्ट हो रहा है, कोई कम रिफ्रैक्ट हो रहा है, ऐसा ही होता है। तो इस केस में क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो म्यू माइनस वन के प्रोपोर्शनल है, सभी डिफरेंट कलर्स की फोकल लेंथ डिफरेंट है। वन बाय एफ और वन बाय यू का ग्राफ किसी भी कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर का भी यही सेम बनता है, कन्वेक्स लेंस का ये बनता है, तो एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, आ जाए तो इसको मार्क कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया, अच्छा कनकेव कन्वेक्स का बताया था। कनकेव के केस में अगर यू और वी का ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ की वेरिएशन याद रखनी है, वो कन्वेक्स की थी जो शुरू में करवाई थी, ये कनकेव की है, याद रखना ठीक है। सीधा मार्क करने को आएगा, बनाने को नहीं आएगा, तो इतना समय नहीं हमारे पास बना बना के देखें, जरूरत नहीं है, ये वेरिएशन याद रखनी है। ऐसी कन्वेक्स लेंस की ये याद, ये मैंने कराया था अभी, कन्वेक्स लेंस की ये याद रखनी है, कन्वेक्स का हो गया, कनकेव का हो गया ठीक है, ये वेरिएशन ही याद करनी है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, नजर मार लेना, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लेंस के, जिसमें ये बता रखा है कि ये इसमें से कुछ नहीं पढ़ना आपने, बस मैं बोल रहा हूँ वो सुनना है सिर्फ। रेज आ रही हैं फोकस पे मिलती हैं, ये आपको पता है। आंखों के लिए रेज आ रही हैं रेटिना पे मिलती हैं आईज के लिए, ये आपको पता है। नेक्स्ट है मिरर्स का काम हमने नहीं किया, तो मिरर्स की डिस्कशन आज हम नहीं करने वाले इसमें, ये कुछ नहीं करने वाले हम इसमें। इसके अंदर एक मेथड है जो मुझे दिखाना है, वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये रहा